हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हार्डी साहिल। तो आपका स्वागत है मेरे तिरुवनंतपुरम पार्ट टू में, टूर टू में। तो आज मैं आपको ले चलूँगा सबसे पहले बीच, देन मैं आपको अत्तुकल टेंपल ले चलूँगा, देन मैं आपको गुरुद्वारा ले चलूँगा। तो यहाँ पे मैं हूँ अभी जंक्शन के पास, स्टेशन के पास। तो मैं अभी बस से यहाँ से लूँगा, सबसे पहले यहाँ से बस आपको मिलेगी अगर आपको जाना है बीच, और उसके बाद अत्तुकल टेम्पल, देन आपको गुरुद्वारा जाना है। तो आपको यहाँ से पहले बस लेनी पड़ेगी महात्मा गांधी पार्क के लिए, वहाँ से फिर आपको आगे के लिए मिलेगी। तो मैं चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ चल के। आपको रास्ता मैंने बता दिया है, तो आपको इसी तरह से आना है और यहाँ से महात्मा गांधी पार्क के लिए पहले ले लेना है बस, उसके बाद आपको वहाँ से चेंज करना होगा। तो मैं आपको चल के बताता हूँ। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ महात्मा गांधी पार्क के पास, और यहाँ से ही बस मिलती है। तो उधर से तो मुझे स्टेशन से बस नहीं मिल पाया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो ले लो, और यहां से भी सजेस्ट करूंगा कि यहां से भी आप ऑटो से ही बीच की तरफ चले जाओ, नहीं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट मैं अभी जा रहा हूं, देखता हूं अगर बस मिलेगी तो बस से जाऊँगा, नहीं तो फिर ऑटो नहीं करूँगा, मैं पैदल चला जाऊँगा। बोला हालांकि यहाँ से दूर है, तो देखता हूँ अभी जाके मैं बस स्टैंड पर वहाँ से बस मिल पाती है अभी या नहीं। तो चलते हैं आपको ले कर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं हम सब, उसके बाद आपको बीच का सैर करवाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जैसा मैं पहुंच गया हूं बस स्टॉप के पास, और यहीं से बस मिलेगा। तो गाइस एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप जब भी केरला हो तो यहां पे हर दुकान के पास एक लॉटरी मिलती है। तो मैंने भी एक लॉटरी खरीदी है 40 रुपीज़ की, और इसका फर्स्ट प्राइज़ है 70 लाख, और ये केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप अगर कभी भी केरला हो तो एक लॉटरी ज़रूर खेलो, अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, अदरवाइज 40 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं होता। तो आप एक बार आके ज़रूर चेक करना, और मैं बस लेता हूँ, अभी बस का टाइमिंग होने वाला है, तो उसके बाद आपको लेके चल के दिखाता हूँ बीच। तो गाइस मैं अभी एक अंकल के साथ बैठ गया हूँ, इन्होंने मुझे बताया कि ये जाएगी बीच की तरफ, तो मैं बैठ गया हूँ और अभी आपको ले चलता हूँ बीच की तरफ, और वहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी मैं उतर चुका हूँ बस से, और अभी मैं पहुँच चुका हूँ लगभग बीच के आसपास ही हूँ। आपको जो पीछे दिख रहा है वो गेट, वहीं से बस मेरा वहीं से रुका था बस, और उसके बाद इधर आपको दिख रहा होगा कि इस साइड में समुद्र है, बीच है, और यहाँ पे बहुत सारे नज़ारे हैं, तो आपको मैं दिखाऊँगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कोई फ्लाइट से आता है तो आपके लिए तो और आसान है, यहाँ पर बगल में ही वो क्या एयरपोर्ट है। एंड अगर आप बस से भी आना चाहते हैं स्टेशन से, तो बस से भी आ सकते हैं, आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आप बस से आ सकते हैं, नहीं तो अब अदर आपके पास तो ऑटो अवेलेबल है, ऑटो से आइए, आराम से आइए और घूमिए यहाँ पे आके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं बीच के पास, और आप देखें कि लहर कितनी दूर तक आ रही है, ये पीछे आपको दिख रहा होगा मेरे जस्ट पीछे कितनी लहरें आ रही हैं।
गाइस, तो आप आइए और यहाँ पे आके मजा लीजिए, बीच का मजा लीजिए। यहाँ का पानी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, वैसे होगा तो खारा ही। और यहाँ पे और भी कुछ कुछ घूमने के लिए अगर है तो मैं आगे देखता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा मंदिर की तरफ। हाँ, तो बीच पे आए हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, 3-4 घंटे से लगभग मैं हूँ। और मैं अभी अत्तुकल टेम्पल जाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूँ कि आप मेरे पीछे जो शिप्स देख रहे हैं, और या आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग शिपिंग फिशिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये लोग फिशिंग के लिए, मुझे जान के हैरानी हुई कि ये लोग फिशिंग के लिए अभी जाते हैं और ये लोग सुबह में आते हैं। तो मैंने कुछ लोकल लोगों से बातें की थी तो उन्होंने ये सब बताया, और मैंने पूछा भी था कि आपने सबसे बड़ा फिश कब देखा और कहाँ देखा, तो वो बता रहे थे कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर फिशिंग करने जाते हैं, लाइक 200 से 300 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो उन्होंने कई बार व्हेल देखा, डॉल्फिन तो इधर भी आती है, और इन्होंने शार्क भी देखा है। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कितना एक दिन में कमा लेते हो, तो इन्होंने बोला कि 500 से 1000, कभी 1500, मतलब जिस तरह से इन लोग को फिश मिल जाता है तो ये लोग उस तरह से अर्न कर पाते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि कभी मुझे टाइम मिलेगा, अगर कोई लोकल इधर मेरा फ्रेंड बनेगा तो मैं आऊँगा और एक दिन इनके पूरे जीवन को एक्सप्लोर करूँगा, मैं इनके साथ में जाऊँगा फिशिंग के लिए। तो अभी तो मैं चलता हूँ अत्तुकल टेम्पल और आपको वहाँ दिखाता हूँ मंदिर कैसा है, और टाइम मिलेगा तब गुरुद्वारा में जा पाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे वहीं जाके। अभी बज रहे हैं रात के 7:10 और मैं पहुंच चुका हूं अत्तुकल टेम्पल, और ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, यही गेट है, मेन गेट। और मैं अभी अंदर जाता हूं और देखता हूं यहां पे कैमरा अंदर अलाउ है या नहीं, और लॉकर है यहां पे, अगर आप चप्पल जूता या बैग वगैरह जो भी लाएंगे तो आप यहां पे रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर दो टाइमिंग है, एक सुबह में खुलती है तो 12 बजे शायद बंद हो जाती है, देन ये खुलती है फिर से 4 बजे, और ये रात को 8:30 बजे बंद हो जाती है, तो आप टाइमिंग याद रखना। तो मैंने वो ले लिया है, ये 30 रुपये का आपको इधर 30 रुपये लीजिए। ये अंकल देख सकते हैं आप, ये अंकल पूछ रहे हैं कि आप वीडियो दिखाते हो, तो मैं बता देता हूँ इनको कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। यस, यूट्यूब पे।
उनको मैंने बता दिया कि मैं YouTube पर डालता हूँ और आप लोग यहाँ पे आए और दर्शन करें अच्छे से और मंदिर के बारे में जाने तो आप आए दर्शन करें और मैं प्रसाद खाता हूँ बस मैं जाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। आज